अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज महमूद और आप देख रहे हैं शहबाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं जेई दूसरी ऑप्शन में, और आते ही मैं सबसे पहले इस कॉर्नर में खड़ा हूं। इस कॉर्नर का नाम है वन पुश कॉर्नर। और मोस्टली जो सवाल किया जाता है पाकिस्तान से या इधर उधर जो भी जितने लोग पूछते हैं करते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि जापान में सबसे सस्ती गाड़ी कितने की मिल जाती है। तो मैं इतनी दफ़ा ऑक्शन आया हूँ, यहाँ से गुजर जाता हूँ, ये कभी नहीं दिखाया। तो ये है जी, वो पीछे तक अगर मैं दिखा सकूँ, ये इधर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनमें से 100 में से जो 70 गाड़ियाँ हैं, ये वन पुश कॉर्नर है, 3 मंथ से स्टार्ट होती है, मतलब 30,000 से। तो इनमें 100 में से 70 गाड़ियाँ जो हैं वो 30,000 की बिकती हैं। बाकी मज़ीद आप लोगों को अंदर जा कर दिखाता हूँ जी। तो उसके बाद आ जाता है ये अगला कॉर्नर, प्राइम कॉर्नर। इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसका एक हिस्सा इधर है, एक वो उधर इस वाली साइड पे खड़ा है, और इधर ये आ जाता है डीलर कॉर्नर, और लास्ट वाले का पता नहीं क्या नाम है। तो ये है जी आज ऑक्शन का माहौल। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बड़ा ऑक्शन होगा, तो आप लोग देख सकते हैं इस दफ़ा काफ़ी गाड़ियाँ हैं पहले के इस बार। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जी। तो ये यहाँ पे है जी ऑक्शन का ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम जहाँ से मतलब ये पूरे ऑक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी कितने पे छोड़नी है। हम लोग पेपर में भी लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लोग पास खड़े हैं वो मज़ीद फिर बुला के पूछते हैं कि आपने कितने पे गाड़ी बेचनी है, जो भी प्राइस आ रही होती है वो साथ बताते हैं, और यहाँ से टोटल ऑपरेट हो रहा होता है। तो जी, जिस दिन बड़ा ऑक्शन होता है इस तरह, ये दो वैनें आती हैं, इनका गयोज़ा होता है, वो पीछे ग्रीन वाली जो वैन नज़र आ रही है उसमें कबाब वगैरह होते हैं। और अभी जी मैंने कबाब ले लिया है अपना, ये फ्री मिलते हैं ना आपको, आपका जो कार्ड होता है उस पर आप लोगों को ये मिलते हैं। तो अभी मैंने ले लिया है, और जुम्मे के लिए निकल पड़ा हूँ, जाते जाते खाता भी हूँ, और अपने जुम्मे के नमाज के लिए भी निकलता हूँ। ऑप्शन हो गया ये ख़त्म। जी तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर, और ये हाई स्कैन मैंने निकाल लिए हैं, गाड़ियाँ अपनी निकालने लगा हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ नहीं मेरी बिकी, ना ओडी बिकी है, ना एन वैगन बिका है, और उसके बाद ना ही उसके अलावा कोई हमने कोई गाड़ी ख़रीदी है। तो बस अपनी ये गाड़ियाँ निकाल के बाहर खड़ी करूँगा, और फिर यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे जी जब गाड़ियाँ निकालते हैं तो गाड़ियों मतलब बीच में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इधर उधर करके निकालनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ से ये गाड़ियाँ निकली हुई हैं, तो किसी ने ये गाड़ी निकालनी होगी, जैसे कि ये मेरी 3157 है, तो ये वाली, तो ये मैंने निकालनी है। तो मुझे ये सारी गाड़ियाँ पहले आगे पीछे करनी होगी, फिर उसके बाद निकालूंगा। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ना कोई आगे पीछे करेगा, तो इसको मैं फिर आके निकाल लूँगा। पीछे सबसे पीछे इसी लाइन में जो है वो गाड़ी हमारी ओडी खड़ी है, तो ओडी को सिर्फ निकाल के अभी बाहर खड़ा कर देता हूँ। अभी ये देखें जी, पहुँच गया हूँ मैं ओडी के पास, और ओडी के पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तो इसको निकाल के बस ऊपर ले जा खड़े कर देता हूँ उधर पार्किंग में, बाकी गाड़ी फिर वो दूसरी फिर आगे पीछे कर लेंगे इंशाल्लाह जी। तो दोस्तों, अभी जा रहा हूँ घर की तरफ वापस, एक्वा मैंने अपनी वहाँ पे ऑक्शन की पार्किंग में खड़ी कर दिया, ओडी में जा रहा हूँ, और बाकी दिन में जो ऑक्शन के हालात थे वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो ना हमने कुछ बेचा है, ना कुछ ख़रीदा है। तो अगर आपको मेरी एफर्ट, मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।